हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज काफी लंबे समय के बाद हम बनाने जा रहे हैं एक रिएक्शन वीडियो। तो मैं हूं आपका दोस्त वाहिद खान। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन जीतेगा, मियामी टू इंडिया या ऑस्ट्रेलिया मैच? आपने पर्ची खानी है, कौन सा जीतेगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया। चलो भाई, तूने पर्ची निकाल ली है, एक मिनट, ये दी पर्ची है, सबसे अलग। तो ऐसा है कि आपसे बहुत कुछ सीखा है कि बंदा चाहे जितना मर्जी बड़ा मालिक बन जाए कंपनियों का, पर जमीन से जुड़ा होना बहुत ज्यादा बहुत से। आप लोग सभी इतने डाउन टू अर्थ कि आप लोगों ने पूरा सीजन चार जोड़ी कपड़ों में काट दिया। आपके केस में क्या है कि आप लोग का फेम थोड़ा डिफरेंट है कि यूजली लोग पहले सेलिब्रिटी बनते हैं फिर उनके पास पैसा आता है, आप पैसे उड़ा के सेलिब्रिटी बने। आदमी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी बना ले, मोहल्ले की आंटी इज्जत तभी देती जब तक टीवी पे ना हो। बात सही है बिल्कुल। अच्छा, वो आंटी से याद आया, नमिता इज हियर। अब स्कूल मियां नाम ही काट जल, सिफारिश करना आता कि वापस ले लें। नाम की बात क्या? अब यार मेरी भी कहाँ गलती थी। अब यार कल सन ने मेरे से कही कि कुणाल बेटा क्लास शांत कराना, क्लास शांत करा दो, बता मेरे को स्कूल से निकाल दिया प्रिंसिपल और सन ने मिल दिया। अब यार देख, सब बच्चे कल शोर मचा रहे थे तो अचानक से प्रिंसिपल घुस गया। प्रिंसिपल ने कहा इन सबको चुप करा जल्द से जल्द। अब जल्द से जल्द में मैं क्या करता, मैंने भी कह दी अंडी मंडी संडी से चुप ना हो। क्या सोच है रे तेरी, एकदम मतलब बहुत भारी करते हुए आ रहे हैं। तीन साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। तीन साल से टिकटॉक बना रही हैं जी, तीन साल से। कितनी गालियां सुनी हैं आपने तीन साल में? चार साल की गालियां सुनी हैं। चार चबनी घोड़े पे टिकटॉक मेरे पे। अब आपके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट दिखाया जा रहा है टिकटॉक का। मेरे गार्ड्स मेरे साथ इसलिए नहीं होते कि मुझे दूसरों से बचा सके, वो मेरे साथ इसलिए होते हैं कि दूसरों को मुझसे बचा सके। वोटर कार्ड बनाने वाले ने मेरा लिंग पुरुष की जगह पे महिला कर दिया है। समझ गया समझ गया। या तो मेरा लिंग परिवर्तन करके फिर से पुरुष करो, या फिर मुझे लाली बेना में जोड़ के 1250 रुपए महीने का दिलाई जाए। आपकी सरकार आएगी या तो 1500 रुपए दिलाओ भाई, या फिर मेरा लिंग परिवर्तन करो पुरुष करो। क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो मिल ही जाते, वुमन राइट्स नहीं मिलते। क्या फर्क है? वो विक्टिम कार्ड है भाई, हमें अपने राइट्स नहीं मिलते। क्या नहीं मिला? जुल्म हो रहा है, किस ज्यादतियां हो रही हैं। जुल्म की बात की ना, आपको कॉफी मिली? हाँ मिली। मुझे नहीं मिली, मर्द के साथ जुल्म हुआ, मैं रोने लग जाऊँ, कार्ड लेके बाहर चला जाऊँ, कॉफी नहीं मिली मुझे। हम लड़के हैं, हमारे साथ यही होता है। भाई ने यहाँ पे भी रोस्ट कर दिया भाई, जानना जाता है यार रोस्ट के लिए। ऐसा लग रहा है मुझसे दहेज मांगने वाले। आपके लिए ना मैं एक्चुअली ये हाँ पैन आर्ट भी लेके आया। कुछ गड़बड़ लग रहा है यार मेरे को, खोल के तो देखो कैसा लगा।
हाँ, मैंने जब आपकी वीडियोस देखी थी मुझे भी यही फील हुआ था। आपके शो का नाम क्या है सर? द थगेश शो। लेट नाइट विद थगेश होता तो लड़कियां नहीं आती। अरे रे, आज मेरे पिंपल्स का इलाज होगा। अगर मैं गार्डन एरिया में लेट पहुंचूं तो समझ जाना। आज वो बाथरूम में टाइम ज्यादा निकालना चाहता है। तो जब भी आपका एग्जाम आने लगे तो उससे 3 से 4 दिन पहले जो आपके आगे वाला रोल नंबर है, जो आपके पीछे वाला रोल नंबर है, दोनों लड़के को दोस्त बना लेना है। जैसी दोस्त बनाओगे तब आप जान जाओ कि आप किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। मान लो 4 चैप्टर आ रहे हैं तो जो दोनों लड़के हैं ना, तो पहले वाले से कहना कि भाई तू पहला दूसरा चैप्टर तैयार कर ले, मैं तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लूंगा। दूसरे वाले लड़के से कहना भाई तू तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर ले, मैं पहला दूसरा तैयार कर लूंगा। तू तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लेगा। तो अगर आप यहाँ मोड़ी खजुआ देखोगे तो आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ रहा है। ये वाला पहला दूसरा पढ़ लिया, ये वाला तीसरा चौथा पढ़ लिया। इन दोनों को भी लगेगा कि मुझे कम कम पढ़ना पड़ रहा है। और आप बैठे हो बीच में तो आप आगे वाला बताए पीछे वाले बताए, पूरा नंबर आप आ जाओगे। गलत रास्ता ये, यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है, गलत रास्ता है। कैसे सही रास्ता है? तेरे पास कोई और रास्ता है? इसकी बैग लगाओ, इसकी बैग लगाओ। प्रतिभा है तुम, साधन नहीं। फोन पे पेटीएम यूपीआई ये सिग्नल तो खुल जाएगा ना। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अंदेशा हुआ था लेकिन मैं मानना नहीं चाहता। भाई सत्यम सत्यम सत्यम, अगर मान लो आपको 2 दिन में शादी करने का मौका दिया जाए तो कैसी बीवी से शादी करोगे? भाई नरसियन, नरसियन से क्या? ये रहा नहीं जाता। भाई आपका नाम? भाई रोहित। रोहित रोहित, सेम सवाल, अगर आपको भी 2-3 दिन में लड़की से शादी करने के लिए मौका मिला तो कैसी बीवी पसंद करोगे? भाई सर्दी कट जाए बस। बस चलो कोई नहीं। भाई आपका नाम? भाई कुणाल। कुणाल, अच्छा तो कुणाल कुणाल एक बार कुणाल अच्छा एक बार कुणाल सिर्फ कुणाल अबे भाई क्या, अरे कुणाल ठीक है कुणाल। तो भाई अगर मान लो तुम्हें भी 2-3 दिन में शादी करने का मौका मिले तो कैसी बीवी से शादी करोगे? चांद जैसी। चांद जैसी मतलब? जो रात में और सुबह चली जाए। अच्छा। समझ रहे हो? ओए ओए भाई, ओए 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 ओए, इधर देख ओए भाई, मैं तेरे को ओए इधर देख, मैं तेरे को बहुत देर से देख रहा हूँ। लड़की हो रहा है लड़की से? भाई मैंने सिर्फ टाइम पूछा, टाइम तो बता नहीं, टाइम खराब चलो बस छेड़ रहा है। अच्छा मैंने टाइम नहीं बताया तो मैं और क्या छेड़ ही रहा है? अरे दीदी शकल तो देखो यार अपनी, शकल तो देखो नहीं, पता नहीं कहाँ से ले आते खूबसूरत लड़की, देखी नहीं लाइन मारा चालू। यहाँ कौन सी खूबसूरत लड़की? रुको जरा, सबर करो। ये देख लीजिए हम मोबाइल। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी मेरे घर की बातें कर रहा है, ये नहीं बताएगा कि रहता कहाँ? अरे तेरे दिल में रहता हूँ और मेरा ठिकाना कहाँ है? तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे।
ओके गाइस, तो हमारा जो रिएक्शन वीडियो है वो हो चुका है खत्म। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी इंजॉयफुल योर वीडियो। तो गाइस करना है क्या मालूम है ना, लाइक वहां देखो, वहां होगा कुछ लाल कलर का बटन, उसको ऐसे रिएक्शन दो जाके ऐसे और ऐसे दबा दो भाई। सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।